अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बेरी जट और आप देख रहे हैं उर्दू टीवी 24। दोस्तों, हमारी मज़ीद अच्छी इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां पर वो 5 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम ने पहले एक रोज़ा मैच में बुरी तरह शिकस्त के बाद भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, मगर दूसरे एक रोज़ा मैच में जो 9 जनवरी को खेला गया, पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ हुआ तो बहुत ही बुरी तरह विकटें गिरना शुरू हो गई। तकरीबन 150 के मजमू स्कोर पर आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन जा चुकी थी, मगर फिर हसन अली और शादाब खान के 50-50 स्कोर ने पाकिस्तान के मजमू स्कोर में इजाफा किया और पाकिस्तान टीम ने 246 रन टोटल बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने ये हदफ भी आसानी से हासिल कर लिया और इस तरह पाकिस्तान टीम दूसरा मैच भी हार गई। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि इब्तदाई 10 ओवर्स में बहुत विकेटें गंवाई, जिसके बाइस मैच हमारे हाथ से निकला। इन्होंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत मायूस कन थी, हम अगले मैचों में कंडीशन के हिसाब से बैटिंग करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि अगले मैच में हम अपनी खामियों पर काम करेंगे। सरफराज अहमद ने कहा, गलतियां सारी टीम से हुई हैं, इसलिए को कसूरवार कहना ठीक नहीं। मेरी डेली वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को दबाइए।